हाँ जी, फोटोसिंथेसिस क्या होती है बच्चों? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? हमें पता है जो प्रिपेयर बिल्कुल जो प्लांट्स हैं जी, वो CO2 प्लस वाटर को कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, C6H12O6, साथ में जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाती है इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन जहाँ पे सनलाइट का होना बड़ा जरूरी है, और साथ में प्लांट के पास जो एक पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, तो वो भी बड़ा जरूरी है जहाँ पे। तो मींस फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों जो प्लांट्स जो हैं वो डे टाइम पे क्या करते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आपको पता है जो लीफ होते हैं, लीफ तो लीफ के पास एक स्टोमेटा, एक स्ट्रक्चर होती है जिसको आप स्टोमेटा कहते हो। तो ज्यादातर लीफ के लोअर सरफेस पे स्टोमेटा नाम की एक ओपनिंग होती है, तो इसी स्टोमेटा के थ्रू ये स्टोमेटा डे टाइम पे ओपन हो जाते हैं और जो CO2 है एटमोस्फियर में वो प्लांट के पास आ जाते हैं। तो मीन 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड आपको एटमोस्फियर में देखने को मिलती है, और प्लांट डे टाइम पे स्टोमेटा ओपन करता है, CO2 अंदर चली जाती है, प्लांट की जो रूट है वो वाटर को अब्जॉर्ब करके लीफ तक पहुंचाता है, अल्टीमेटली आपके पास C6 है। हालांकि हम जरूर इसको ग्लूकोज लिख देते हैं कि C6H12O6, ये तो बच्चे ग्लूकोज का फॉर्मूला है, लेकिन एक्चुअल में क्या बनती है, ग्लूकोज जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। ग्लूकोज जो है तो एक्चुअल में स्टार्च बनती है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज स्टार्च। तो लीफ के अंदर ये सारा काम चलता है, लीफ बीइंग ग्रीन इन कलर, उनके पास क्लोरोफिल है, डे टाइम पे लाइट आ जाती है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं जी, और जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हमें एक डिटेल में डिस्कस करना है बच्चों की फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस चलता कैसे है, इसमें कौन कौन से पिगमेंट इन्वॉल्व हैं, क्लोरोफिल क्या होती है, या फिर जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वेरियस पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, तो पिगमेंट्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम मेन जो है फोटोसिंथेसिस का जो मेन कंसेप्ट है उसको फॉलो करेंगे। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस अगर आप देखो तो ये बच्चे दो टाइप की रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जो पहली रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन, जो सेकंड रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। तो मतलब फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है वो टू स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। तो पहला स्टेप है लाइट रिएक्शन, दूसरा स्टेप है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट रिएक्शन का बेसिकली काम होता है प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड NADPH, प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड, तो ये दो तरह की पावर यानी कि एनर्जी जो है एनर्जी प्रोडक्शन का काम है, यानी कि जो पहला स्टेप है फोटोसिंथेसिस का उसमें एनर्जी बनेगी, ATP बनेगी, NADPH बनेंगे। NADPH बच्चे एक रिड्यूसिंग पावर है, एक विटामिन है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो ATP कैसे बनता है, NADPH कैसे बनता है प्लांट के पास, वो सारा हम जब लाइट रिएक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि कितने ATP बनते हैं, कितने NADPH बनते हैं। ऑब्वियस ही बात है बच्चे, दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अगर आपने भी घर में अगर खाना बनाना हो तो पहला स्टेप क्या है, पहले तो पैसा कमाओगे ना। आपके माँ बाप कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई खेती बाड़ी करते हैं, उससे घर में पैसा आता है और उसी पैसे से फूड भी आता है। तो सेम प्लांट के पास है तो प्लांट भी जो है दो स्टेप कंप्लीट करता है, खाना बनाता है। पहले स्टेप में एनर्जी बनाएगा, एनर्जी करेंसी क्या है, ATP NADPH, और फिर उसी एनर्जी को यूज करके डार्क रिएक्शन में फूड बनाएगा। तो डार्क रिएक्शन का काम होता है फूड प्रोडक्शन, फूड फॉर्मेशन। तो जो डार्क रिएक्शन है उसमें फूड बनेगा और इसी एनर्जी को यूज करते हुए, हाँ जी, इसी एनर्जी को
यूज करते हुए जो है बच्चे फूड बनेगा। ठीक है जी, तो फूड फॉर्मेशन डार्क रिएक्शन में होती है। तो लाइट रिएक्शन का काम है एनर्जी प्रोडक्शन, डार्क रिएक्शन का काम है फूड प्रोडक्शन। और फूड बनता है एक साइकिल के थ्रू, तो जहां पे एक साइकिल चलता है दैट इज नोन एज ए C3 साइकिल। इसको कैल्विन बेंसन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो इसलिए इसको कैल्विन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में जितने भी प्लांट हैं, आगे हम पढ़ेंगे कितने टाइप के प्लांट होते हैं, C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट, 3-4 टाइप के प्लांट हैं। जितने भी दुनिया में प्लांट है, चाहे वो C3 प्लांट है, चाहे वो C4 प्लांट है, चाहे वो कैम प्लांट है, सभी के अंदर अगर फूड बनना है तो एक साइकिल जरूर चलेगा, उस साइकिल का नाम है C3 साइकिल। तो मीन C3 साइकिल इकलौता ऐसा साइकिल है बच्चों जो फूड बना सकता है प्लांट्स के अंदर। तो इसलिए C3 साइकिल जो है हम डार्क रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। और भी कई सारे साइकिल चलते हैं हालांकि डार्क रिएक्शन में, जैसे हम पढ़ेंगे C4 साइकिल पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम कैम साइकिल, एक पढ़ेंगे हम C2 साइकिल। तो ये सारे साइकिल जो हैं, हालांकि इनका फूड बनाने में मैंने बोला कि जो फूड है वो सिर्फ C3 साइकिल ही इकलौता ऐसा साइकिल है जो खाना बना सकता है, जो फूड बना सकता है। तो फिर ये साइकिल क्यों चलते हैं प्लांट्स में, C4 साइकिल का क्या रोल है, कैम साइकिल क्या रोल प्ले करता है, C2 साइकिल क्या है, तो ये सब कुछ हम डार्क रिएक्शन के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम डार्क रिएक्शन पे पहुंचेंगे। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब सर विजय ये है कि जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है जी, वो 2 स्टेप में कंप्लीट किया जाता है। पहला स्टेप है लाइट रिएक्शन, दूसरा स्टेप है डार्क रिएक्शन। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप से, दैट इज लाइट रिएक्शन से। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, चाहे लाइट रिएक्शन है बच्चों, चाहे डार्क रिएक्शन है, ये होंगे डे टाइम पे। ऐसा नहीं सोचना कि ये लाइट रिएक्शन दिन में चलेगी और डार्क रिएक्शन का मतलब अंधेरा होता है तो रात में चलेगा। फोटोसिंथेसिस कभी भी रात को नहीं होती है, चाहे लाइट रिएक्शन है चाहे डार्क रिएक्शन है, ये दोनों डे टाइम पे ही चलती हैं। उसको डार्क रिएक्शन हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो लाइट रिएक्शन है इसमें तो आपको सनलाइट चाहिए। आपको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। और इसी ATP और इसी NADPH को यूज करके तो फूड बन रहा है C3 साइकिल के अंदर। तो मींस जो डार्क रिएक्शन है वो भी तो इनडायरेक्टली लाइट पे डिपेंड कर रही है। तो ऐसा नहीं हो सोचना आपने कि लाइट रिएक्शन दिन में चलती है, डार्क रिएक्शन रात में चलती है। फोटोसिंथेसिस कभी भी रात को नहीं होती, चाहे लाइट रिएक्शन है चाहे डार्क रिएक्शन है, दोनों के दोनों जो स्टेप हैं जी वो डे टाइम पे ही चलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जो स्टेप है लाइट रिएक्शन क्या है। लेकिन लाइट रिएक्शन से पहले हमें पता होना चाहिए कि पिगमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं जी फोटोसिंथेसिस में। तो पहले हम पढ़ेंगे जो है वेरियस पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। उससे पहले अगर हम आप देखो प्लांट सेल को, तो प्लांट सेल के अंदर बच्चे एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होती है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। सो दिस इज प्लांट सेल, ये एक प्लांट सेल है, बाकी आपको पता ही है कि यूकैरियोटिक सेल है, सभी ऑर्गेनेल इसमें होंगी। मेरा मेन फोकस रहेगा क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। तो सपोज प्लांट सेल के अंदर यहां पे एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है जी, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। बाकी सारे ऑर्गेनेल जहां पे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, सब कुछ अवेलेबल है। तो मेरा फोकस, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, तो हमारा फोकस रहेगा तो प्लांट के अंदर जो एक मेन ऑर्गेनेल है दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो इसी को हम किचन ऑफ सेल भी कहते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर जो मेन ऑर्गेनेल है जो फोटोसिंथेसिस करती है वो क्लोरोप्लास्ट है, बिना क्लोरोप्लास्ट के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं। तो इसीलिए हम इसको किचन ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है ये ऑर्गेनेल। तो अगर आप इस ऑर्गेनेल को ध्यान से देखोगे तो इसकी दो मेम्ब्रेन हैं, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है ये एक, तो एक आउटर मेम्ब्रेन है एक इनर मेम्ब्रेन। इसका ये जो लिक्विड पार्ट होता है बच्चे, किसी भी ऑर्गेनेल के अंदर जो लिक्विड होता है, जैसे सेल के अंदर भी लिक्विड होता है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, वैसे ही
जहां पे भी जो लिक्विड है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यानी कि जितना भी अंदर लिक्विड आपको नजर आ रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो इसका स्ट्रोमा है, जिसको नॉर्मली हम मैट्रिक्स भी कह देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, या जहां भी आप इसको मैट्रिक्स कह सकते हो, बट मेनली मैं इसको स्ट्रोमा का नाम दूंगा, क्योंकि ये एक इसका अपना डीएनए है जी, इसका अपना राइबोसोम होते हैं इसके पास, आपको पता ही है। पर इसमें जो मेन पिगमेंट, जो मेन चीज है जो रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस में, वो है जी हमारे पास एक फ्रेट मेम्ब्रेन सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन और क्लोरोफिल से मिलके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, तो वो मल्टीपल भी हो सकते हैं, वो सिंगुलर भी हो सकता है ऐसे, तो इसी को कहते हैं थैलेकोएट्स। दिस इज नोन एज थैलेकोएट्स। तो इनको कहते हैं थैलेकोएट, मींस जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल और प्रोटीन से मिलके कुछ मॉलिक्यूल बने हुए हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं, जिनको हम बोलते हैं थैलेकोएट्स, जिसको हम क्या कहते हैं थैलेकोएट। और थैलेकोएट ग्रुप में भी हो सकते हैं, थैलेकोएट जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है। तो थैलेकोएट क्या है कि ग्रुप में भी आपको दिख सकते हैं, सिंगुलर भी दिख सकते हैं। जो ग्रुप में होते हैं उनको कहते हैं ग्रेना थैलेकोएट, उनको क्या कहते हैं ग्रेना थैलेकोएट। और जो सिंगुलर होते हैं, जैसे ये सिंगुलर है, ये तो स्ट्रोमा है सारा, और ये जो सिंगुलर है दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा थैलेकोएट, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा थैलेकोएट। तो ये जो अंदर लिक्विड दिख रहा है वो स्ट्रोमा है, और ये जो थैलेकोएट नजर आ रहा है अकेला सिंगल सिंगुलर, उसको स्ट्रोमल थैलेकोएट के नाम से जाना जाता है। और इस ग्रेना के अंदर कितने थैलेकोएट हो सकते हैं एक ग्रुप में, ये तो मैंने तीन ही बनाए ना, क्योंकि जगह कम है हमारे पास, तो मैंने सिर्फ तीन मॉलिक्यूल बनाए हैं। एक्चुअली ये पूरा 40 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब 40 थैलेकोएट आपस में ज्वाइन होते हैं तब जाके आपके पास एक ग्रेनम बनता है, एक ग्रेना थैलेकोएट पैदा होता है। क्लियर होगी ये बात, किसी बच्चे को कोई डाउट हो? आवाज आ रही है मेरी आप तक प्रॉपर? यस सर। ठीक है, ठीक है जी। तो मींस जो क्लोरोप्लास्ट है बच्चों, उसके पास दो तरह के थैलेकोएट अवेलेबल हैं, एक ग्रेना, एक जो ग्रुप में होते हैं, एक सिंगुलर जो होते हैं, दैट इज स्ट्रोमा थैलेकोएट। तो अगर हम इसको गौर से और हम इसकी स्ट्रक्चर को एनालाइज करें, मैं सिर्फ अगर क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर हम सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को ध्यान से स्टडी करें, so this is chloroplast, double membrane bound organelle, तो ये मेरे पास chloroplast है। तो जहां पे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से बड़े बड़े प्रोटीन और क्लोरोफिल के बने हुए थैलेकोएट्स होते हैं, वो ग्रुप में भी हो सकते हैं, वो सिंगुलर भी हो सकता है। और बाकी जहां पे जो लिक्विड पोर्शन है, इसको मैंने आपको बताई दी, इसको क्या कहते हैं जी, दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। तो ये हमारा स्ट्रोमा है और ये हमारे थैलेकोएट्स हैं, थैलेकोएट। तो ये ग्रेना थैलेकोएट है, ये स्ट्रोमा थैलेकोएट है। ये जो अंदर जगह है, ये जो स्पेस है, जो थैलेकोएट के अंदर स्पेस नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड ल्यूमन, ल्यूमन ऑफ थैलेकोएट, ल्यूमन ऑफ थैलेकोएट। तो इसको ल्यूमन ऑफ थैलेकोएट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी ल्यूमन है, ये भी ल्यूमन है। जैसे हमारा कमरा होता है, रूम की जितनी भी स्पेस है वो उस रूम का ल्यूमन है, स्पेस इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज ल्यूमन। तो दिस इज ल्यूमन ऑफ थैलेकोएट। तो बाकी इसके पास, क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है, अपने राइबोसोम, अपनी प्रोटीन, वो सारा अलग है, क्योंकि मेरा मेन फोकस रहेगा जहां पे फोटोसिंथेसिस चलती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, आप बोलोगे जी क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो फिर आप बोलोगे क्लोरोप्लास्ट में, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे होती है जी, स्ट्रोमा में होती है या फिर थैलेकोएट्स के अंदर होती है। तो मैंने आपको बोला कि फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप हैं,
एक है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। तो मींस दोनों स्टेप अलग अलग जगह पे चलेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जो बच्चे लाइट रिएक्शन है ना, वो होगी आपकी इस ल्यूमन के अंदर, यहां पे जो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कहां पे चलती है जी, इन द ल्यूमन ऑफ थैलेकोइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा एमएसडी के अंदर भी कि जो लाइट रिएक्शन है वो कहां पे होती है। तो बच्चों जो लाइट रिएक्शन है वो होती है जी ल्यूमन ऑफ थैलेकोइड के अंदर, और जो डार्क रिएक्शन है वो चलती है जहां पे स्ट्रोमा में। तो डार्क रिएक्शन कहां पे चलेगी, स्ट्रोमा के अंदर। तो डार्क रिएक्शन चलती है स्ट्रोमा में। तो मतलब दो ही तरह की रिएक्शन होनी है फोटोसिंथेसिस में, एक लाइट रिएक्शन दूसरी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जहां पे चलेगी थैलेकोइड के अंदर, यानी कि जो एनर्जी बनाने का काम है वो थैलेकोइड्स का है, और जो फूड बनाने का काम है वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है फूड बनेगा। कोई डाउट हो किसी को? ठीक है जी। अब एक बार और एक बात और जो इंपॉर्टेंट है, जहां पे ये जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है बच्चे थैलेकोइड्स की, इन मेम्ब्रेन के दो नाम हैं। देखो ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन दिख रही है ये फ्री है, ये जो बीच वाली मेम्ब्रेन ये दबी हुई है, क्योंकि आपने दो मॉलिक्यूल रखे हैं, ये मेम्ब्रेन भी दबी हुई है और ये लास्ट वाली मेम्ब्रेन भी फ्री है। यानी कि अगर आप 40 मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दो तो सबसे ऊपर वाली मेम्ब्रेन फ्री होगी, एक सबसे नीचे वाली मेम्ब्रेन फ्री होगी, बीच वाली जो मेम्ब्रेन आएंगी वो दबी हुई होगी। अगर मेरे पास 10 रोटियां हैं, 10 चपाती हैं मेरे पास, मैं उनको एक एक करके ऊपर नीचे रख दूं, तो आप देखोगे जो सबसे ऊपर वाली चपाती है उसकी अपर लेयर फ्री है, जो सबसे नीचे वाली चपाती है उसकी लोअर लेयर फ्री है, बाकी जो बीच वाली है वो सभी दबी हुई है। तो मीन्स थैलेकोइड की दो मेम्ब्रेन होती है, ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है और ये जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है, क्योंकि इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ये दबी हुई नहीं है। अगर मैं इस तरीके से मॉलिक्यूल रख दूं, ये पहला मॉलिक्यूल, तो मैंने बोला जी 40 मॉलिक्यूल होते हैं एक ड्रेना के अंदर, कितने मॉलिक्यूल होते हैं 40, तो सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो ऑन। तो अब इसमें ध्यान से देखो, ये बीच वाली जो मेम्ब्रेन है ये सारी क्या है जी, प्रेशर में है, दबी हुई है। फ्री क्या है, एक तो ये वाली मेम्ब्रेन और एक ऊपर वाली मेम्ब्रेन, ये दो ही मेम्ब्रेन फ्री होंगी थैलेकोइड के अंदर, और इसलिए इसको कहते हैं नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड। तो नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन कितनी होती है, दो ही होंगी, एक सबसे ऊपर वाली एक सबसे नीचे वाली, बाकी जितनी भी मेम्ब्रेन है थैलेकोइड की वो सारी क्या है जी, दबी हुई है, दैट इज अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। तो बाकी सारी की सारी जितनी भी मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है ये सारी की सारी क्या है, अप्रेस्ड मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड। तो मींस थैलेकोइड की दो मेम्ब्रेन है, दो टाइप की मेम्ब्रेन है। तो दिस वन इज नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन एंड जो बीच वाली नजर आ रही है आपको, दिस वन, ये जो दो हैं ये क्या है जी, थैलेकोइड की अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। इनका इनको याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब आगे पिगमेंट पढ़ेंगे ना हम, पिगमेंट बहुत सारे पिगमेंट इसमें आएंगे, तो उनकी लोकेशन जब आपको बताई जाएगी तो आपको बताना चाहिए, जब मैं बोलूंगा कि ये फलाना पिगमेंट अप्रेस्ड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, जहां ये दूसरा जो पिगमेंट है वो नॉन अप्रेस्ड पे प्रेजेंट है, तो आपको समझ आनी चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो मींस जो थैलेकोइड है, खासकर जो ग्रेना थैलेकोइड है उसकी दो मेम्ब्रेन है, जो स्ट्रोमा थैलेकोइड है इसकी कितनी मेम्ब्रेन है जी, फिर क्या इसमें कोई अप्रेस्ड मेम्ब्रेन है या सारी की सारी नॉन अप्रेस्ड है, ये कहीं से भी दबी हुई है, क्योंकि ये तो सिंगल है ना, तो स्ट्रोमा थैलेकोइड के पास तो सिर्फ नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन होती है, ये भी नॉन अप्रेस्ड है, ये भी नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन है, क्योंकि इसमें तो कोई प्रेशर ही नहीं है, ये तो दबी हुई नहीं है, ये तो सिंगल है, और जहां पे तो कोई प्रेशर है ही नहीं, ना नीचे वाली मेम्ब्रेन के ऊपर ना ऊपर वाली पे, तो ये तो सारा का सारा ही नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन से बना है। दिक्कत आती है,
जो ग्रुप में होते हैं, जो ग्रेना में होते हैं, तो ग्रेना थिल्ले क्वाड के अंदर आपको दो तरह की मेम्ब्रेन नजर आएंगी, अप्रेस्ड मेम्ब्रेन एज वेल एज नॉन अप्रेस्ड मेम्ब्रेन। और ये हमारे काम आएगी जब हम पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। जब हम लाइट रिएक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे तब आपको बताऊंगा मैं कौन सा पिगमेंट नॉन अप्रेस्ड पे प्रेजेंट होता है, कौन सा पिगमेंट जो है वो अप्रेस्ड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। तो दिस इज अबाउट बच्चे क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, पिछले सेमेस्टर में आपने बायोलॉजी के अंदर इस ऑर्गेनेल को डिटेल में पढ़ा ही होगा। तो मेरा मकसद आज सिर्फ आपको ये बताने का है कि जो फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, वो आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। फिर क्लोरोप्लास्ट में कहां पे होती है, तो लाइट रिएक्शन होती है थिलेकोएड के अंदर और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा के अंदर, जो लिक्विड मिलता है आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो खाली जगह मिलती है, ये जो सारी एम्प्टी स्पेस आप देख रहे हो, ये सारा का सारा क्या है जी, दिस इज स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो अगर आपसे पूछे कि डार्क रिएक्शन कहां पे होती है, तो आंसर क्या आना चाहिए जी, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और अगर आपसे पूछे लाइट रिएक्शन कहां होती है, ल्यूमन ऑफ थिलेकोएड, ल्यूमन ऑफ थिलेकोएड। एक जो इंपॉर्टेंट बात है, हाँ जी बोलो बच्चे, थिलेकोएड दो तरह के हैं, एक स्ट्रोमा थिलेकोएड एक ग्रेना थिलेकोएड, ठीक है। जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ ऑकर होती है बोलेंगे तो उसे हम बोल सकते हैं ग्राना में, यहाँ पे भी तो होती है बच्चे, तो ये तो ग्रेना, ये बोला ना आपने ल्यूमेन, ल्यूमेन और ग्राना में क्या फर्क होता है बच्चे, ये जो मॉलिक्यूल, ये जो पूरा मॉलिक्यूल बन गया मेरे पास, दिस ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर बनी, दिस इज कॉल्ड ग्रेनम, ग्रेना, समझ रहे हो। जब मैं 40 मॉलिक्यूल इकट्ठे कर लूंगा थले क्वाड के तो ग्रेना बन गया, लेकिन ल्यूमन तो ये वाला है ना, ल्यूमन तो जो स्पेस है, ये भी ल्यूमन है, ये भी ल्यूमन है, ये भी ल्यूमन है, तो ग्रेना के अंदर अगर 40 मॉलिक्यूल है तो 40 ल्यूमन होंगे। तो ग्रेना और ल्यूमन एक कॉमन सेम चीज नहीं है, ग्रेना तो है जो थले क्वाड का ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड ग्रेना, और ल्यूमन क्या है जो थले क्वाड में स्पेस कवर कर रखी है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमन। तो लाइट रिएक्शन ना होती है, आपका आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेनम, सिर्फ ग्रेना में थोड़ी होती है, ग्रेना के ल्यूमन, हाँ आप ये बोल सकते हो कि ग्रेना थले क्वाड के ल्यूमन में होती है जी, एंड स्ट्रोमा थले क्वाड के ल्यूमन में तो होती है। तो लाइट रिएक्शन कहां पे होती है, ल्यूमन ऑफ थले क्वाड, सिंपल आंसर कर दो, ल्यूमन ऑफ थले क्वाड में होती है, चाहे वो ग्रेना थले क्वाड है चाहे वो स्ट्रोमा थले क्वाड, क्लियर है। तो बच्चे अब हम डिस्कस करते हैं वेरियस पिगमेंट से स्टार्ट होंगे, कौन कौन से पिगमेंट इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो ये तो हमें पता चल गया जी क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब क्लोरोप्लास्ट में कौन से ऐसे पिगमेंट हैं जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पा रही है, तो आपको पता है क्लोरोफिल मेन पिगमेंट है, कैरोटीनॉइड दूसरे नंबर पे पिगमेंट आते हैं, और भी बहुत सारे पिगमेंट्स इसमें रोल प्ले करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से पिगमेंट इन्वॉल्व हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो मेन पिगमेंट कौन कौन से हैं, पहला तो बच्चे आपको पता है क्लोरोफिल, फर्स्ट पिगमेंट जो है दैट इज क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो क्लोरोफिल ही बड़ी होती है, तो पांच टाइप की क्लोरोफिल हमारे पास है। अगर मैं टाइप्स के बेसिस पे करूं तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, तो ए बी सी डी ई, पांच अलग अलग टाइप की क्लोरोफिल आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं हम हायर प्लांट्स की बात करें फोटोसिंथेसिस, अगर मैं सिर्फ हायर प्लांट्स की बात करूं तो हायर प्लांट्स में सिर्फ दो ही क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल आपको देखने को मिलेंगी, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। किसी में अगर आप लोअर प्लांट की बात करोगे एल्गी में खासकर, तो वहां पे क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी भी हो सकती है। देखिए क्लोरोफिल ए तो सभी में है, जितने भी दुनिया में प्लांट है, चाहे वो एल्गी है, चाहे वो ब्रायोफाइट है, चाहे वो ट्रिटोफाइट है, चाहे वो जिम्नो है, जो मर्जी प्लांट है, क्लोरोफिल जो ए है ना बच्चों, ये तो मेन है, ये मेन पिगमेंट है, ये तो होगा ही होगा सभी के अंदर,
जो बाकी हैं बी सी डी ई वो एक्सेसरी पिगमेंट हैं। तो मींस क्लोरोफिल में जो मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है। आगे हम इसकी स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, क्लोरोफिल ए की क्या स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल बी की क्या स्ट्रक्चर है। लेकिन एक बार आप ध्यान रखो कि क्लोरोफिल ए तो सभी में है, सभी प्लांट्स में है, लेकिन क्लोरोफिल बी सिर्फ हायर प्लांट में है। तो मतलब पेयरिंग में होगी, या तो क्लोरोफिल ए और बी होंगे, या क्लोरोफिल ए एंड सी होंगे, या क्लोरोफिल ए एंड डी होंगे, या क्लोरोफिल ए एंड ई होंगे। तो एल्गी वगैरह के अंदर हम देखते हैं कुछ ऐसी एल्गी है जहां पे क्लोरोफिल ए भी होती है, कुछ ऐसी एल्गी है जहां पे क्लोरोफिल ए एंड सी होती है, कुछ ऐसी रेड एल्गी है जहां पे क्लोरोफिल ए एंड डी होती है। तो मींस वो अलग अलग यहां पे है। दूसरा जो पिगमेंट हम इसमें पढ़ेंगे जी वो है कैरोटीनोइड्स। तो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर भी हम आगे डिस्कस करेंगे आज, और साथ में कैरोटीनोइड क्या होते हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो कैरोटीनोइड्स को बेसिकली हम कहते हैं C40 कंपाउंड्स, क्योंकि ये कार्बन के ही मॉलिक्यूल हैं, कुछ भी नहीं है कैरोटीनोइड, एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन को एक लाइन में लगा लोगे और अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाते जाओगे, सपोज सर, हाँ जी सर, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई जो आपने लिखा है उसका कोई तो होगा ना सर वर्क? सभी का वर्क है, हम सभी को डिटेल में मैं एक एक करके उसको दोबारा पकड़ेंगे हम। ये तो मैं सिर्फ आपको अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि कौन कौन से पिगमेंट हैं हमारे पास। तो पहला क्लोरोफिल है। अब हम क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो उसका फंक्शन भी बताया जाएगा आपको कि क्लोरोफिल ए क्या रोल प्ले करती है, सेम कैरोटीनॉइड जो है वो क्या रोल प्ले करेंगे। तो सभी को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। दूसरे जो पिगमेंट है जी वो है कैरोटीनॉइड, जिनको हम C40 कंपाउंड्स कहते हैं। मींस कैरोटीनॉइड का एक मॉलिक्यूल के अंदर मैक्सिमम कितने कार्बन होते हैं, 40 कार्बन, और हैविंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड। आप देखोगे कैरोटीनॉइड के पास एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, हैविंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और इसलिए ये एनर्जी को लाइट को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं प्लांट की। तो क्लोरोफिल की हेल्प करते हैं, ये हेल्पर पिगमेंट है। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ जो मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है, जो फोटोसिंथेसिस में मेन रोल प्ले करता है, जो लीड करता है। लेकिन जो बाकी पिगमेंट है क्लोरोफिल बी है, चाहे वो कैरोटीनॉइड है, वो सारे एक्सेसरी पिगमेंट है। तो पिगमेंट्स में दो तरह के पिगमेंट है, एक मेन पिगमेंट, एक एक्सेसरी पिगमेंट। एक्सेसरी मीन्स हेल्पिंग पिगमेंट। मेन कौन है, क्लोरोफिल ए। तो जो बाकी बच गए क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड, वो सारे क्या हैं, एक्सेसरी पिगमेंट। तो दूसरा पिगमेंट ये हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, यानी कि कैरोटीनॉइड क्या है, वो क्या रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। तीसरा पिगमेंट है जी एक साइटोक्रोम B6F। एक ये थर्ड पिगमेंट हम डिस्कस करेंगे कि साइटोक्रोम B6F क्या है। यहां पे भी बच्चे वर्ड आ जाते हैं ना साइटोक्रोम, तो साइटोक्रोम का मतलब होता है एक प्रोटीन जिसके पास आयरन होता है, यानी कि एक प्रोटीन है ये, और इस प्रोटीन के पास आयरन है। तो वो प्रोटीन साइटोक्रोम B6F क्या है, एक प्रोटीन है जिसके पास आयरन है बस। तो जहां पे भी आपने साइटोक्रोम वर्ड पढ़ लो ना बायोलॉजी के अंदर, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो, उसका सीधा सा मतलब है कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसी प्रोटीन की जिसके पास आयरन प्रेजेंट होता है। तो दैट इज कॉल्ड साइटोक्रोम। और B6F इसका नंबर है, क्योंकि बहुत तरह के साइटोक्रोम हमने डिस्कवर कर लिए हैं, उनकी नंबरिंग नेमिंग है एक तरह से, जैसे साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है, उसी तरह से साइटोक्रोम एक B6F फैमिली का मेंबर है। तो अलग अलग फैमिलीज हैं इनकी, तो B6F उसका नंबर है। तो ये एक प्रोटीन है जिसके पास आयरन है। ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे वहां पे। और जो फोर्थ पिगमेंट है वो है F0F1 पार्टिकल, जिसको आप ATP सिंथेटेज भी कहते हो, और मैं इसको ATM मशीन के नाम से जानता हूं। मैं इसको ATM मशीन कहता हूं क्योंकि यही वो पार्टिकल है, यही वो एंजाइम है आप कह लो, जहां पार्टिकल कह लो, जो ATP पैदा करेगा, जो पैसा देगा आपको। जैसे हम ATM मशीन में जाते तो वहां से पैसा मिलता है ना, वैसे ही ये वो चीज है, ये वो मशीन है जो ATP बनाएगी। और आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस में ATP बनने तो बहुत जरूरी है, तो ATM यही वो मशीन है बनाएगी। कैसे ये पैसे बनाती है वो सारा प्रोसेस हम पढ़ेंगे जब हम लाइट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे।
फिलहाल तो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पिगमेंट्स की। तो जी चार तो बच्चे जी मेन पिगमेंट हो गए, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, साइटोक्रोम एंड एटीपी सिंथेटेस। इसके अलावा और भी बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, जो अब हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको ब्रीफली उनके बारे में भी बताऊंगा, उनके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। पर ये चार जरूर ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और उनको हम एक एक करके आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लोरोफिल क्या होता है। तो मैंने आपको बोला कि दो मेन क्लोरोफिल हैं इसमें, क्लोरोफिल ए एंड बी, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, क्लोरोफिल ए की क्या स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल बी की क्या स्ट्रक्चर है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस में। फिर हम आएंगे कैरोटीनॉइड के ऊपर, फिर हम आएंगे साइटोक्रोम B6F के ऊपर, फिर आएंगे F0F1 पार्टिकल के ऊपर। कोई डाउट हो जहां तक तो बताइए। नो सर। ठीक है जी।